भगवान शिव के भक्तों ने गंगे बाबा आश्रम से कावड़ यात्रा निकाली। इस यात्रा की सबसे खास बात यह है कि इसमें भक्त हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपनी मनोकामना के लिए पैदल यात्रा तय कर मंदिर में जल चढ़ाते हैं। काशीपुर में गंगे बाबा आश्रम से कांवड़ रथ यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में गंगा जल लेकर आश्रम से मेन बाजार चीमा चौराहे से निकलकर सीधे मोटेश्वर महादेव मंदिर पहुंचकर जल चढ़ाया गया। यात्रा में सैकड़ों भक्त शामिल हुए। इस दौरान गंगे बाबा आश्रम के वीर बाबा ने बताया कि हर वर्ष सावन के महीने में भगवान शिव के भक्तों द्वारा हरिद्वार से गंगा जल लाया जाता है और अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए शिव भक्त पैदल यात्रा करके मंदिरों में गंगा जल चढ़ाते हैं। सावन के महीने में गंगा जल लेकर आना भक्तों के लिए कठिन होता है, फिर भी भगवान शिव के आशीर्वाद से किसी भी भक्त को कोई परेशानी नहीं होती है। इस सावन के महीने में जो गंगा जल चढ़ाया जाता है उसे छोटी शिवरात्रि के नाम से भी जाना जाता है। हम लोग हर वर्ष डाक टावर का आयोजन करते हैं भोले बाबा के हम लोग डाक टावर हर वर्ष श्री गंगे बाबा आश्रम से अखाड़ा पंचायती निर्माण से रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन एमपी टू बी एनआईआरएफ रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव इयर्स जहां है 600 से ज्यादा कंपनी टाइप्स फॉर प्लेसमेंट्स अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर नर्चरिंग स्टार्टअप्स इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन फॉर एक्सपोजर ऑफ रियल इंडस्ट्री वर्ल्ड 20 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस फॉर रिसर्च साथ ही ग्लोबल फेस्टिवल विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी अनलॉकिंग पोटेंशियल। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।